देश को टोल मुक्त किए जाने और डीजल के दामों को घटाने सहित कुल 5 सूत्रीय मांग को लेकर गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दिया है। हड़ताल को सफल बनाने को लेकर शुक्रवार को ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में एक बैठक की। बैठक के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे, महामंत्री अशोक यादव, संगठन मंत्री परमेश्वर यादव, नवनाथ यादव, रंजन तिवारी और गिरीश यादव सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि एसोसिएशन ने टोल मुक्त भारत थर्ड पार्टी का बीमा बंद किए जाने, डीजल के दाम घटाने, पुराना इनकम टैक्स स्लैब लागू किए जाने सहित कुल 5 सूत्रीय मांग की है, जिसको लेकर एसोसिएशन के लोगों ने सरकार को पहले से ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। बताते चलें कि एसोसिएशन के इस निर्णय के बाद से गोरखपुर में लगभग 7,000 ट्रकों का चक्का थम गया है। मांगे पूरी होने तक अब गोरखपुर में 7,000 ट्रकों में लोडिंग का काम नहीं होगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे ने कहा, कल हमारे पदाधिकारी मित्तल साहब जो हमारे अध्यक्ष ऑल इंडिया को गए थे तो गडकरी साहब ने कहा कि समय नहीं हमारे पास, आप पीयूष गोयल साहब से मिल लीजिए, वो सब समस्या हल कर देंगे, जो माननीय मंत्री महोदय है। तो उन्होंने कहा कि भाई GST का माल तो हम हल कर मामला हल कर लेंगे, बाकी जो MB एक्ट से संबंधित है वो आप गडकरी से बात करिए, टालने वाला काम उन्होंने किया, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल चले गए।